हेलो बच्चों, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी प्राइवेट बच्चों के बारे में और उसमें मैंने बताया था कि आपके जो सीबीएसई के फॉर्म हैं वो आने वाले हैं, तो उसके बारे में कुछ बच्चों के सवाल थे जिनका जवाब मैं इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूँ आपको। दूसरी बात ये है कि सीबीएसई के जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं स्कूलों में, तो कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मतलब उनको कोई फिक्र नहीं है अपनी, चाहे रजिस्ट्रेशन हो ना हो, उनकी इन्फॉर्मेशन गलत चली जाए, पापा का नाम, मम्मी का नाम, डेट ऑफ बर्थ। तो भाई बस ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी गलती मत करो, अपना ध्यान रखो। अपने स्कूल में एक LOC होती है, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट, उसको पूरा चेक करवा लो। छोटी छोटी चीज़ें, मिस्टेक बाद में बहुत भारी पड़ती हैं, जैसे आपके पापा का नाम, स्पेलिंग, मम्मी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपके नाम की स्पेलिंग, ये सब चीज़ें बाद में आपको दिक्कत करेंगी अगर गलती हो गई तो। इनको ठीक करना बहुत मुश्किल होता है एक बार गलत हो जाने पर, पहली बात। दूसरी बात, रेगुलर बच्चों का तो इतना मुझे फिक्र नहीं है क्योंकि रेगुलर बच्चों के तो स्कूल बहुत केयर करते हैं, लेकिन अगर आपका स्कूल Tier 2, Tier 3 सिटी का है या छोटा स्कूल है कोई, या कई स्कूल ऐसे भी होते हैं जिनमें उनकी खुद की मान्यता नहीं होती, वो दूसरे स्कूल के थ्रू एडमिशन ले लेते हैं और वहां पर जाकर उनका रजिस्ट्रेशन बेसिकली उस स्कूल में होता है, आपके स्कूल में सिर्फ पढ़ाई होती है। अगर आपका स्कूल ऐसा है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, हालांकि इलीगल है बट ऐसा हो रहा है। तो अगर आपका स्कूल इस टाइप का है कि जिसका अपना मान्यता नहीं है, एफिलेशन नहीं है सीबीएसई से, तो उसकी एक पहचान होती है कि आपके स्कूल के बोर्ड पर एफिलेशन नंबर नहीं लिखा होगा। अदरवाइज अगर स्कूल एफिलेटेड होता है तो कंपलसरी होता है कि उसको अपना एफिलेशन नंबर लिखना होता है सीबीएसई का, ऐसे लिखा होता है एफिलेटेड टू सीबीएसई दिल्ली एफिलेशन नंबर, 5-6 डिजिट का एक नंबर होता है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा अभी। तो अगर आपका स्कूल वैसा है, सब स्कूल नहीं कह रहा हूँ, कुछ स्कूल अच्छे भी होते हैं ऐसे भी जहाँ स्टाफ अच्छा होता है, मैनेजमेंट अच्छा होता है, वो कई बार तो बड़े स्कूलों से भी अच्छे होते हैं, कई बार तो अनएफिलेटेड स्कूल एफिलेटेड स्कूल से बढ़िया पढ़ाते हैं, बढ़िया स्टाफ होता है, लैब होती है, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। तो या तो आपका स्कूल ऐसा है या फिर आपका स्कूल छोटा है कोई, जहां पर स्टाफ ट्रेंड स्टाफ नहीं है, एक्सपीरियंस्ड प्रिंसिपल नहीं है, मैनेजमेंट को भी ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो ऐसे में खतरा बढ़ जाता है कि आपके डेटा की या तो वहां पहुंचेगा नहीं टाइम पर, और पहुंच गया तो गलती होगी उसमें। ऐसा हुआ है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ आपसे, ये सब एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। तो ऐसे केस में आप बहुत ध्यान रखो अपना कि आपके फॉर्म में कोई गलती ना हो, अपने आप चेक कर लेना, स्कूल के भरोसे मत रहना। और अगर आपका स्कूल बड़ा स्कूल है तब भी आप एक बार चेक कर लेना अच्छी तरह से, सीरियसनेस के साथ। अब बात करते हैं प्राइवेट बच्चों की, रेगुलर का तो हो जाएगा। प्राइवेट बच्चों को मैंने बताया था कि आपके फॉर्म जब आएंगे बताऊंगा पूरा, और ये बताऊंगा फॉर्म कैसे भरना है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं एक वीडियो बनाऊं जिसमें पूरा स्टेप वाइज बताऊं फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या गलती बच्चे करते हैं, तो आप इस वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा लाइक करवा देना, इसको शेयर कर करके अपने दोस्तों को। तो अगर इस पे लाइक ज्यादा हो गए तो फिर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मुझे लगेगा, मैं लाइक के लिए नहीं कर रहा हूं, मुझे लगेगा इस पर आप वीडियो चाहते हो। और रेगुलर वाले बच्चे भी लाइक करना और शेयर करना इसलिए कि अगर आप चाहते हो कि क्या क्या गलती आपकी हो सकती है फॉर्म भरने में और LOC क्या है। तो प्राइवेट बच्चों से एक रिक्वेस्ट है मेरी, सलाह भी है कि भाई आप जो फॉर्म भरोगे अपना, तो कोशिश करना किसी स्कूल के थ्रू भरो, और जिस स्कूल में आप पहले पढ़ते थे उसी के थ्रू भरोगे तो बेस्ट हो जाएगा। लेकिन जनरली स्कूल बचना चाहते हैं इस चीज से, उनको लगता है फेलियर बच्चा है तो हम इसको क्यों भरवाएं। बट आप रिक्वेस्ट करके अगर थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा फीस भी लें तो भर देना, बट अगर वो 500-1000 से ज्यादा ले रहे हैं एक्स्ट्रा तो फिर मत भरना, फिर आप साइबर कैफे जाके, और ऐसे साइबर कैफे जाना जहां इस तरह के काम होते रहते हो, फॉर्म भरना, आधार कार्ड बनना, वो एक्सपीरियंस साइबर कैफे होते हैं। हर शहर में एक फेमस साइबर कैफे होता है जहां पर बहुत एक्सपीरियंस लोग बैठे होते हैं। कई बार तो साइबर कैफे वालों को मतलब क्या बताऊं, स्कूल से भी ज्यादा नॉलेज होती है, टीचरों से भी ज्यादा नॉलेज होती है, क्योंकि वो कई साल से काम कर रहे होते हैं। तो भाई पहली कोशिश तो ये करना कि आप स्कूल से फॉर्म भरो, और दूसरी कोशिश ये करना कि अगर स्कूल नहीं मानता है तो किसी और स्कूल को देखना, अगर कोई भी स्कूल नहीं मानता है तो आप किसी पुराने एक्सपीरियंस साइबर कैफे वाले अंकल के पास जाना और उनसे कहना, अंकल जी रिक्वेस्ट है आपसे, मेरा फॉर्म भरवा दो, अपने सारे डॉक्यूमेंट लेके जाना, ध्यान से स्पेलिंग वगैरह भर के अपना फॉर्म भर लेना। हालांकि अभी आपका फॉर्म आया नहीं है, बट जैसे ही आएगा मैं आपको बताऊंगा और पूरी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। और अगर आपको पता चल जाता है कि फॉर्म आ गया या कोई सीबीएसई का न्यूज आपके पास होता है तो आप कृपया मुझे टेलीग्राम पर भेज दें उसको, अनुराग त्यागी मेरी आईडी है, वहां पर जाकर मुझे आप भेज सकते हो। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी भेज सकते हो, फॉलो करने के बाद इंस्टाग्राम पर भी मेरी आईडी अनुराग त्यागी है। अगर आप कोई न्यूज
आपको पता चल जाता है मेरे से पहले कुछ भी सीबीएसई के बारे में या आईसीएसई के बारे में, एनआईएस के बारे में, यूपी बोर्ड के बारे में, या कोई भी एजुकेशनल खबर, या किसी बच्चे की कोई बात है, कोई परेशानी चल रही है किसी बच्चे के साथ, तो आप सब मुझे भेज सकते हो। सो विश यू ऑल द बेस्ट, अपना ध्यान रखिए, सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।